हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेज फूडी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी से पकोड़े की रेसिपी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे मूंग दाल के पकोड़े। इसको आप हरे धनिए की चटनी या फिर इमली की चटनी किसी के भी साथ खा सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मूंग दाल के पकौड़ों को बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। इनको बस आपको दाल रात भर भिगोनी पड़ती है, या फिर आप 4-5 घंटे के लिए दाल भिगो दें और उसके बाद आप पकौड़े बनाएं। तो चलिए आज की मूंग दाल के पकौड़े की रेसिपी को शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ ये अंदर से कितना मॉइस्ट और सॉफ्ट है। इसको बनाने में मैंने कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडा का यूज़ नहीं किया है। रेसिपी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ पे मैंने एक कटोरी मूंग की दाल ली है, जिसको मैंने रात भर पानी में भिगो दिया था। देखिए, ये अच्छे से फूल चुकी है। आप चाहें तो इसे 4-5 घंटे के लिए भी सोक कर सकते हैं। अब हमें इसको अच्छे से धोना है और इसको एक छन्नी में छान देंगे, जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। अब हमें इसको एक मिक्सी के जार में शिफ्ट करना है और इसको दरदरा पीस लेना है। तो देखिए, हमने इसको दरदरा पीस लिया है। अब हम इसको एक बर्तन में शिफ्ट करेंगे और इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। मैं अब इसको 2-3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करना है, जिससे इसका पेस्ट बहुत स्मूथ हो जाए। इस प्रोसेस को स्किप ना करें। हमारा बैटर अच्छे से स्मूथ हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2-3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ग्रेटेड जिंजर, बारीक कटा हरा धनिया। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, 1/2 teaspoon लाल मिर्च पाउडर, 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर, 1/2 teaspoon जीरा, 1/4 teaspoon हींग और थोड़ा सा गरम मसाला। अब डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। सभी को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए, अब हमारा बैटर पकोड़े तलने के लिए रेडी है। तेल अब अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पकोड़े डालेंगे। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग छोटे या बड़े पकोड़े बना सकते हैं। इस टाइम पे हमें गैस को थोड़ा स्लो ही रखना है। अभी पकोड़े हम ऐसे ही डाल देंगे और इनको अच्छे से सेक लेंगे। हमें इनको गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। देखिए, पकौड़ों का कलर अब गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इनको एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सभी पकौड़े बना लेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारे गर्मा गर्म मूंग दाल पकौड़े बनकर रेडी हैं। आप इसको हरे धनिए की चटनी या फिर इमली की चटनी के साथ खाएं। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपके साथ एक अगली रेसिपी में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।